मैं समझना कि जो हरमीत सिंह कालका जी ने प्रधानगी लायक तो छोड़ो असी तो कहते जनरल सकत्र के भी लायक नहीं सके कि हरमीत सिंह कालका जी वाकई तुसी सच्चे हो वाकई तुसी कहते हो जी मैं गलत नहीं हाँ ऑटोमैटिक गन्ना लैके पुलिस प्रशासन को किन्ने अंदर बुलाया तुसी गल्ला करते हो किसानां भरावां ने हमेशा गुंडागर्दी की दिल्ली कमेटी के तुसी की किया 9 साल के अंदर तुसी की किया गुरु घर के गाने वजवाए गुरु ग्रंथ साहब की बेदबियां कराइया मर्यादा तोड़िया स्कूल स्टाफ को तनखावां नहीं दित्तियां किन्ने की गुंडागर्दी जिहड़ी आ दिल्ली कमेटी की बर्ड बनी है उहदा पिछोकड़ की है कि वह सिरसे की कमेटी है कि वह बादल दल की कमेटी है किहड़ी एजेंसिया की कमेटी है तुहानू दसो। पर अज मैं हरमीत सिंह कालका जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बारे सवाल करना चाहवागा कि हरमीत सिंह कालका जी वाकई तुसी सच्चे हो वाकई तुसी कहते हो जी मैं गलत नहीं हाँ तो एक गल दसो संगत नूं इस गल्लां दा जवाब दिओ संगत नूं कि जिहड़ी उत्थे बंदूकां लैके ऑटोमैटिक गन्ना लैके पुलिस प्रशासन नूं किन्ने अंदर बुलाया पुलिस कोलों धक्के मरवाए सरदार परमजीत सिंह सरना जी नूं सरदार हरविंदर सिंह सरना जी नूं सरदार मनजीत सिंह जीके जी नूं होर कईआं नूं सारे मैंबरां नूं जिहड़े 21 ओपोजिशन दे मैंबर सीगे उहनां नूं तुसीं धक्के मरवाए इत्थों तक कि जिहड़ा प्रैजीडेंट दा दावेदार सीगे सरदार हरविंदर सरदार परमजीत सिंह सरना जी उहनां तक नूं तुसीं वोट नहीं पा दित्ती तुसीं कहिंदे हो वोटिंग रुकवा के रखी तां हरमीत सिंह कालका जी संगत नूं इह वी दसो कि वोटिंग क्यों रुकवा के रखी जे तुसीं सच्चे सीगे जे तुहानूं डर नहीं सीगा जिहड़े गलत तरीके नाल वोट पई सीगी जिहनूं तुसीं खरीदिया सीगा जी तुसीं वोट वेख के बाकी उहनूं पेमेंट देनी सीगी जिहड़ी दिल्ली कमेटी के रूल के खिलाफ जाके वोट पाई गई सी सुखबीर सिंह कालरा वालों तुसीं उहनूं धक्के नाल पास कराने की कोशिश क्यों कर रहे सीगे वोटिंग इस करके रुकी गई सी क्योंकि तुसीं धक्के नाल गलत तरीके नाल जिहड़ा दिल्ली कमेटी का रूल नहीं है ये सीक्रेट बैलेट पेपर से वोटिंग होंदी है तो सिर्फ नाम लिख के बैड जिहड़ा पेपर है वो बॉक्स के विच पाना होंदा पर सुखबीर सिंह कालरा जी ने दिल्ली कमेटी का जिहड़ा एक्ट का रूल है वो तोड़ के वोट दिखाई ताकि जो उन्होंने बाकी पेमेंट लैनी सी वो उन्होंने मिल सके तुसी वो वोट क्यों पवाने के हक में सीगे इत्थे ये गल का जवाब दे दो। दूजी जब असी श्रोमणी कमेटी के प्रधान धामी साहब नू चेयरमैन बनाने की हामी भर रहे सीगे तुसी क्यों ना की उस तो बाद तुसी बे कोशिशां कीतियां कि जिहड़ा ये बैलेट वोटिंग है प्रधानगी दी उह जल्द तो जल्द हो जाएगा कि तुहाडी जिहड़ी प्रधानगी है उह तुहानूं फटा जल्दी तो जल्दी मिल जाए क्योंकि तुसीं अंदर तुहानूं डर सीगा कि जिहड़े तुहाडे मैंबर सीगे उह सच दे नाल खड़े है उह सरदार परमजीत सिंह सरना जी दे नाल खड़े है अगर वोटिंग हो जाती है सही तरीके नाल बिल्कुल शांतमई तरीके दे नाल तां तुसीं प्रधानगी दे अहुदे ते नहीं आना सीगा। मैनूं सिर्फ इस गल दा जवाब दे दो जिहड़ी आ दिल्ली कमेटी दी बर्ड बनी है कुछ वक्त वास्ते उहदा पिछोकड़ की है कि वह सिरसे की कमेटी है कि वह बादल दल की कमेटी है किहड़ी एजेंसिया की वह कमेटी है तुहानू दसो कि आ जिहड़ी तुसीं कमेटी बनाई है इहदे जिहड़ा पिछोकड़ है वह कौन है क्योंकि तुसीं तां चौधरपण के पिछे प्रधानगी के पिछे जिहड़े तुसीं बादल परिवार नाल तुसीं जुड़े हुए सीगे जिन्हां नूं तुहानू इन्ने उच्चे पदवियां दित्तियां तुसीं उन्होंने भी धोखा देता तुसीं जाके गोलक चोर दे नाल मिल गए तुसीं जाके अमरिंदर सिंह सिरसा दे नाल मिल गए सवेरे मैंबर तुहाडे नाल बैठे हुंदे आ शामी अमरिंदर सिंह सिरसा दे नाल बैठे हुंदे आ इह कमेटी है किहदी दसो तां सही इह कमेटी दा सिर पैर कौन है 22 तरीक दा डायरैक्टर वालों मिथी गई सीगी इह चोणां जिहड़ी 23 तरीक होईआं राती उह इनवैलिड होणगीआं कोर्ट उहनूं इनवैलिड करेगा तो दोबारा तो रीएक्शन कराएगा उस समय तुसी देखते रहोगे कि जिहड़ी सच्चाई की जित होंदी है नाल ही मैं तुहानूं चैलेंज करना हरमीत सिंह कालका जी तुसी वाकई गुरु का भय रखते हो ना अगर तुहानूं गुरु का डर है तुसी गुरु के सच्चे सिख हो तो मैं तुहानूं चैलेंज करना मैं आना आओ गुरु तेग बहादुर साहब के दर से दस दो खड़े होके कि यह कमेटी सही तरीके नाल बनी है कि नहीं बनी है अगर तुम सच्चे हो तो दसो संगत नूं गुरु घर दे विच खड़े होके दसो कि यह कमेटी सही तरीके नाल बनी है कि नहीं बनी है तुसी गल्ला करदे हो कि सरना भरावां ने हमेशा गुंडागर्दी की है दिल्ली कमेटी दे विच तुसी की कीता 9 साल के अंदर तुसी की कीता तुसी गुरु घर दे विच गाने वजवाए गुरु ग्रंथ साहब की बेदबियां कराइया मर्यादा तोड़िया गुरु घर के जिहड़े
ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵੜਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।